हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 8 में मैं डॉक्टर जेपी रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जैन योगा के विषय परिचय में चल रहे हैं। आगे विषय परिचय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगभग हम अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन था विषय परिचय, उसमें डॉक्टर सहर जी ने क्या शुरुआत की थी, पहले बताया कि जैन योगा है क्या, फिर जैन योगा का उद्देश्य क्या है कि मन की एकाग्रता हासिल करना, क्योंकि हमको मन को क्या किसके लिए तैयार करना है, ध्यान के लिए तैयार करना है। तो उसके बाद उन्होंने बताया, मन की व्याख्या बताई, मन के चार खंड बताए, मन के चार खंडों में सात केंद्रों के बारे में बताई और फिर सात केंद्रों की विस्तृत चर्चा की, खास करके पहले चार केंद्र आई ई एस एम की विस्तृत चर्चा की। फिर सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताया, जो स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे अपने उत्साह और रुचि को बरकरार रखें इस मार्ग पे असंख्य बाधाओं के बावजूद, है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी मन की जो संवेदनशीलता है वो क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। फिर हमको उन्होंने वासना के बारे में बताया, फिर साइकिक टेम्पेस्ट के बारे में बताया, मानसिक तूफान के बारे में बताया, फिर तीन और टर्म बताए, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, इंस्टेंटनेस। फिर अंत में बताया कि आपको ये पाथ खुद को खोजना है, डिस्कवरी ऑफ द पाथ बताया, और इस पाथ पे अकेले चलने के ऊपर ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया, जिसके कारण आप उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था जिसको कहते हैं CCS तक, जो आपका लक्ष्य है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो अकेले यात्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व इस पार्ट में उन्होंने बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अकेले की यात्रा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो लोग वहाँ पे एक कोटेशन के बारे में इसकी शुरुआत करते हैं, जब वो बताते हैं कि इन्होंने किताब का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पे एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं, जो कि कोट आया है फ्रॉम द किताब है एक लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध के ऑटोबायोग्राफी है, उसमें ये लिखा है, लाइट ऑफ एशिया से बताया गया ये कोटेशन, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मैं करूँगा, क्या यह मैं करूंगा, क्योंकि जीवन और जीवों का शोकमय रुदन मेरे कानों में आता है। इस जीवन और इस जीवन में जो जीव हैं उनका शोकमय रुदन, यानी उनका रोना, क्यों रोना, क्योंकि इनको इतनी तकलीफें हैं लोगों को, कि उनका जो रोना है वो मेरे कानों में सुनाई दे रहा है, इसलिए ये मैं करूंगा, क्योंकि ये जो शोक है, ये जो दुख है लोगों का, ये दुख मेरे कानों में पड़ता है तो मैं उसे सहन नहीं कर पाता हूँ, और मेरी आत्मा संसार की रुग्णता के लिए करुणा से भरी हुई है, इतने रुग्ण हैं यहाँ पे संसार में, दुखी दुख है, तो मेरी आत्मा पूरी इन दुखियों के प्रति क्या है, करुणा से भर चुकी है, जिसे मैं ठीक करूँगा, यानी इनकी रुग्णता को, इनके दुख को क्या करूँगा, मैं ठीक करूँगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दुख है, चार आर्य सत्य दिए भगवान बुद्ध ने, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और एक ऐसी अवस्था निर्माण हो सकती है जहाँ पे दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, उसी को विपश्यना विद्या कहते हैं। तो उसी के माध्यम से लोगों का दुख उन्होंने दूर किया, क्योंकि उनके मन में करुणा निर्माण हुई ऐसे रुग्णों के प्रति, क्योंकि बचपन से ही उनको उनके माँ बाप ने दुखों से दूर रखा था, दुखी व्यक्ति को कभी देखा नहीं था उन्होंने। जब शादी करने के बाद पहले बार गए बाहर, तब उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक मृत्यु व्यक्ति है और एक सन्यासी, ये चार जब चीजें उन्होंने देखी तो उनके मन में वैराग्य निर्माण हो गया कि इतना दुख है और इतने लोग दुखी हैं और मैं चुप करके बैठूं, तो वहां पर उनका क्या हो गया, मानसिक तूफान आया, जो उन्होंने इमीजिएटली निर्णय लिया, उनका छोटा बच्चा राहुल अभी कुछ दिनों का था और अपनी वाइफ यशोदा को छोड़ के कहाँ चले गए, 6 साल तक कड़ी तपस्या जाके वन में की, और उस दुख को निवारण का मार्ग उन्होंने ढूंढा। तो वही बता रहे हैं, जिसे मैं ठीक करूंगा, चाहे इलाज अत्यधिक त्याग और बड़े संघर्ष से ही क्यों न मिलता हो, इसके लिए मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन इस दुख का निवारण मैं ढूंढ के ही रहूंगा। ये उनके किताब से कोट लिया गया है, लाइट ऑफ एशिया। तो उसी तरह से डॉक्टर सहर जी ने भी क्या किया, ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने जो कुछ क्वेश्चंस, जो प्रश्न मुझे बचपन से तकलीफ देते हैं, उनका उत्तर मैं ढूंढ के ही रहूंगा, जो कि इस उद्देश्य में आपको यहाँ पे जैन योगा पुस्तक के उद्देश्य में डॉक्टर सहर जी अभी आत्मकथा बताएंगे, कैसे उन्होंने किताब लिखा।
इस पुस्तक का उद्देश्य है जीवन के उद्देश्य को समझने और इसी जीवन यानी जीवन का उद्देश्य समझना है आपको और इसी जीवन काल में एक सामान्य जीवन जीने के दौरान ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इसी जीवन में सामान्य जीवन जीने के दौरान आपको नहीं कह रहे कि आपको त्यागी बनना है सन्यासी बनना है घर बार छोड़ के जाना है तब आपको वो हासिल होगा जो आप ढूंढना चाहते हैं नहीं इसी जीवन की तकलीफों को फेस करते आपको क्या करना है एक सामान्य जीवन जीते के दौरान जीवन के उद्देश्य के प्रति कार्य और प्रगति करने का एक अवसर प्रदान करना खुद को प्रगत करना है उसका अवसर प्रदान करने का मौका कौन देता है ये जैन होगा पुस्तक का उद्देश्य है कि इसी जीवन के दौरान आप प्रगति करो और प्रगति करके वहां तक पहुंचो जहां पे आपका लक्ष्य है। ईश्वर ईश्वर शब्द के बारे में आप बहुत यहां पे बताते हैं वो सबसे बड़ा भ्रांतिजनक शब्द जो भ्रांति निर्माण करता है वो सबसे बड़ा शोषित करने वाला शब्द कितना शोषित कर लिया है ना पुजारियों ने पंडितों ने ईश्वर का नाम पे लेके क्या क्या नहीं धांधलियां करते हैं लोग है ना और सबसे बड़ा गलत समझा गया शब्द यदि कोई ईश्वर है तो क्या वो ऐसा होगा जिसे पाने के लिए सबसे कठिन और अजीब अभ्यास किसी विशेष परिस्थिति में करने होंगे यानी इतनी तपस्या करनी पड़ेगी कठिन कठिन अभ्यास करो और वो भी विशेष परिस्थिति में करो है ना तो वो ऐसा ईश्वर है नहीं ऐसा ईश्वर वो नहीं कह सकते हम उसको और उसमें से भी वो केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा यानी सबको नहीं मिलेगा तो ऐसा ईश्वर कैसे हो सकता है तब वो हमारी पीढ़ी का ईश्वर नहीं है। अगर ऐसा ईश्वर है जिसको पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी और वो कठिन तपस्या करने के बाद भी सबको नहीं मिलने वाला है किसी विशेष लोगों को मिलेगा जो घूस वूस देंगे वहां पे है ना उनको ही मिलेगा तो फिर वो हमारे पीढ़ी का ईश्वर वो मानते नहीं है डॉक्टर सहर जी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति समझदार होता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से मन में आते हैं। जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी रुचि रखते हो और उसमें प्रगति करते हो तो जब प्रगति आपकी होती है तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक प्रत्याशी के मन में आने चाहिए और अगर नहीं आते हैं तो डॉक्टर सहर जी रेडीमेड प्रश्न आपको दे रहे हैं कि जो उनके मन में आए और उनका उत्तर भी इनडायरेक्टली उन प्रश्नों में ही दिया है उन्होंने है ना। तो क्या है वो प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न 6 प्रश्न के बारे में बताते हैं यहां पे कि इस जन्म और जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न तो दे दिया उत्तर वो पहले ही दे चुके हैं कि जन्म और जीवन का उद्देश्य एक ही है हमारा इस धरती पे जन्म होने का कारण उद्देश्य एक ही है खुद को एनलाइटन करना इन दुखों से खुद को मुक्त करना बिकॉज एनलाइटमेंट यानी CCS क्रिटिकल सर्टन स्टेज ही वो अवस्था है। उसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपके चारों तरफ ऐसी आभा आने लगेगी जैसे भगवान बुद्ध के आने लगेगी वो नहीं होगा जरूरी लेकिन प्रैक्टिकली बात करें यानी दुखों का अंत जिस दिन आपके दुखों का अंत हो गया यानी आप उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक पहुंच गए। तो हमारे जन्म और जीवन का उद्देश्य क्या है भाई उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक पहुंचना है जहां से हमारा खंड एक का रूपांतरण क्या हो जाएगा खंड 2 ब में हम लोग जा पाएंगे और जहां से हम लोग धारणा ध्यान समाधि करने लायक बनेंगे तब तो जीवन का उद्देश्य सफल होगा। जीवन का उद्देश्य समाधि को पहुंचना लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है CCS को टच करना। तो अपने जन्म और जीवन का उद्देश्य देखो क्वेश्चन तो बता रहे हैं लेकिन आंसर पहले ही बता चुके हैं कि CCS ही आपका जन्म और जीवन का क्या है भाई उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न बता दें क्या कोई सड़क पर मौजूद साधारण व्यक्ति कभी इसका उत्तर जान पाएगा या यह उसकी समझ से परे है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। कौन सा उत्तर कि जीवन और जन्म का उद्देश्य क्या है क्या ये साधारण जो व्यक्ति जो आम सड़क पे व्यक्ति रहता है क्या ये उत्तर जान पाएगा कि ये सिर्फ उत्तर कुछ लोगों के लिए है जो लोग फिक्स लोग हैं जो लोग बस है ना जिन्होंने कुछ डाल दिया है उधर दाना पानी उनको ही सिर्फ मिलेगा बाकी लोगों को मिलने वाला नहीं। उसका मतलब उत्तर वही दे रहे हैं कि ये साधारण लोगों के लिए भी है संभव कि वो जान पाए कि उनके जीवन और जन्म का क्या उद्देश्य है। यानी हम सबको बता रहे हैं कि आप साधारण लोग के लिए हम लोगों के लिए भी ये है चुनिंदा लोगों के लिए सिर्फ ये नहीं है। तीसरा प्रश्न क्या बता दें बहुत इंपॉर्टेंट बता दें क्या स्वतंत्र इच्छा मनुष्य को दी गई है जिसको कहते हैं फ्री विल। स्वतंत्र इच्छा यानी क्या होता है फ्री विल। फ्री विल का मतलब क्या है
कि आपके ऊपर है, आप कब जन्म लेना है, जन्म लेना है कि नहीं, और कब इस जीवन से मुक्त होके अपने घर जाना है। जैसे भगवान बुद्ध को हासिल हुई थी फ्री विल, मृत्यु से 3 महीने पहले ही बता दिया कि सो एंड सो 3 महीने के बाद जो पूर्णिमा आएगी, सुबह का सूर्य उदय होगा और अब मैं अपना शरीर त्याग महापरिनिर्वाण को क्या हो जाऊंगा, तो उपलब्ध हो जाऊंगा। यानी ये थी उनके हाथ में क्या, मुक्त इच्छा, फ्री विल। जब मुझे जाना है तब जाऊंगा, है ना, कैसा नहीं कि भाई जब होगा तब मरूंगा, ऐसा नहीं, अपने आप डिसाइड किया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो इसको कहते हैं फ्री विल। तो क्या स्वतंत्र इच्छा मनुष्य को दी गई है? इसका मतलब है कि हाँ है, हमको सबको फ्री विल है, लेकिन हमको उसको हासिल नहीं किया क्योंकि हम उस पर चलते नहीं है मार्ग पे। यहाँ सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यहाँ सबसे पहले से प्रीडिस्टाइंड है, आपका जन्म ऐसे होगा, आपका मृत्यु वो होगा, जब आप उस इस CCS को टच नहीं करोगे तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आपकी मृत्यु डायबिटीज से होनी होगी तो डायबिटीज से ही होगी, है ना, हार्ट अटैक से होनी होगी तो हार्ट अटैक से होगी, ब्रेन स्ट्रोक से होनी होगी तो ब्रेन स्ट्रोक से होगी, तो वो पूर्व निर्धारित है। तो वही बता रहे हैं, क्या ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है, चिन्हित है और कम से कम विवरण के लिए तैयार है अनंत काल के लिए? यदि ऐसा है तो जीवन वास्तव में अपने कुछ आकर्षण खो देगा और फिर कोई उम्मीद नहीं होगी एक ईमानदार इंसान के लिए जो ईमानदारी से कुछ सार्थक करना चाहता है उसके जीवन के साथ। अगर सब कुछ प्रीडिस्टाइंड हो जाए, सब कुछ पहले से ही भगवान ने आपको बोला कि बस आपको 60 उम्र से मरना है, तो आदमी की रुचि निकल जाएगी ना, हाँ ना, बोलेगा सब तो लिखा हुआ है भाग्य में, वही होने वाला है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, इसलिए लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या करें भाई, हमारे जो कर्मों में लिखा है वो होगा, मरना होगा तो मरेंगे, हम तो अपना सिगरेट फूकेंगे कैंसर में, मरना होगा तो मरेंगे, हम लोग तो तंबाकू खाएंगे, तंबाकू से कोरल कैंसर में होगा तो होगा, है ना, अब तो मजा करें। तो कहने का मत, क्योंकि सब पहले बोलते हैं निर्धारित है ना, क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमको भगवान ने वो मुक्त इच्छा दी है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि वो मुक्त इच्छा हम हासिल कब करेंगे। CCS के बाद वो मुक्त इच्छा आपको मिल जाती है। चौथा प्रश्न, इस सृष्टि के पीछे कोई तो शक्ति जरूर मौजूद है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से जाने, ये जो सृष्टि इतनी नियमबद्ध प्रकृति चल रही है उसके पीछे तो कुछ न कुछ तो शक्ति होगी ना, नहीं तो ये कैसे चलेगी, है ना, फिक्स टाइम पे साइंटिस्ट बता दें आज ये सूर्य ग्रहण होगा, है ना, एक एक सेकंड से सब मैच होता है, कैसे, तो इसके पीछे क्या है, योजना है उस प्रकृति की, उसके हिसाब से सब नियमबद्ध चल रहा है। हम उसके उसको भले कोई भी नाम दे दें, भगवान कहो, गॉड कहो, यीशु कहो, कोई भी कहो, है ना, भले उसको अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो कोई तो शक्ति है जो इसको सब चलाती है। क्या ये संभव है जानना और समझना उसके नियमों को, कानूनों को, अथवा क्या हमें उन्हें आंख बंद करके स्वीकारना होगा, क्योंकि सीमित होने के नाते हम अनंत को नहीं नाप सकते, क्योंकि हम सीमित हैं और वो अनंत है, इसलिए लगता है कि हम तो बहुत छोटे प्राणी हैं भाई, सीमित होते हैं, हमको क्या, उसको अनंत को कैसे नाप पाएंगे, लेकिन नहीं, आप उससे एक रूप होकर उसको नाप सकते हो, है ना, तो ये शक्ति है इसके पीछे और इन कानूनों को हम जान सकते हैं, लेकिन वो तब जान पाएंगे जब मार्ग को खोजेंगे और मार्ग पे चलेंगे और CCS हासिल करेंगे, और जब आपके Section 3 Section 4 मन के खुल जाएंगे तो आप ब्रह्मांड से एक रूप हो जाओगे, तो ब्रह्मांड में क्या घटनाएं घट रही है उसको आपकी पूरी आपको जानकारी मिलेगी, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हो कि ब्रह्मांड के क्या है, कानून कैसे काम करते हैं और कब मेरी मृत्यु घटने वाली है, या इसके बाद जन्म होने वाला है कि नहीं, या इससे पहले मेरे कौन से जन्म हो चुके हैं, वो पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी आपको आ जाती है। तो ये सब चीजें संभव है, उस कानूनों को जानना संभव है, यही कह रहा हूं ना मैं आपको कि प्रश्न तो दे रहे हैं लेकिन प्रश्न का उत्तर उन्होंने पहले से ही इंट्रोडक्शन में ही दे दिए हैं। क्या कोई सुनहरा मध्यम मार्ग है जो न तो अति भोग का हो और न ही पूर्ण त्याग का हो? भगवान बुद्ध का जो मार्ग था उसको कहते हैं सिल्वर मिडिल पाथ, यानी मध्यम मार्ग, न अति भोग न अति त्याग। उन्हें कह रहे हैं कि सारा दिन भोगी की जैसा बस सुख साधनों के पीछे लगे रहो, भोग में लगे रहो, और नहीं त्यागने को कह रहे हैं भाई घर बार छोड़ के भाग जाओ, वैरागी बनो, है ना, सन्यासी बन जाओ, नहीं ये मध्यम मार्ग है। तो उसका मतलब है कि ज़ेन योगा किताब 1 में जो मार्ग दिया गया है वो सुनहरा मध्यम मार्ग ही है, हमें उस पर चलने की आवश्यकता है। क्या मनुष्य को ज्ञान का त्याग करना चाहिए
और उत्तर खोजने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा पहले दिन क्या, भिक्षुओं एम्प्टी योर बोट, यानी अपनी नाव को, तो अपना जो ज्ञान आपने पहले इकट्ठा कर दिया है उसको क्या करना चाहिए, त्याग करके हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ध्यान त्यागोगे नहीं तो इस मार्ग पे आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या मनुष्य को ज्ञान का त्याग करना चाहिए और उत्तर खोजने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए इस मार्ग पे, अथवा सब कुछ त्याग देना चाहिए जो भी संसारिक है और एक सन्यासी यानी वैरागी बनना चाहिए। तो सब सुख त्याग करने की जरूरत नहीं है, वैरागी बनने की जरूरत नहीं है। खाली जो कचरा इकट्ठा करके रखा है इससे पहला उसको निकालो, और वो निकालना जरूरी है, नहीं तो कैसे समझोगे, नहीं तो हम उसी में रह के रहेंगे। हाँ ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठो और आंखें से, और कोशिश करो ये सोचने की ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसमें ही सारा जीवन क्या हो जाता है हमारा, चला जाता है, क्योंकि उसको हम छोड़ते ही नहीं है। भगवान का पूजा करो, पूजा पाठ करो, सत्संग भजन करो, इससे आपको मुक्ति मिलेगी, है ना, ये आसरा मिलता है हमको, हाँ लेकिन उससे कुछ घटता नहीं। तो ऐसा जो भी ज्ञान हासिल किया है उसको थोड़ा साइड में रखो, और जो इस किताब में दिया है उसको थोड़ा थोड़े महीनों के लिए तो फिक्स करके सोचो कि हम और कुछ नहीं करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। डॉक्टर सहजी कहते हैं कि बचपन से ही इन सवालों और इसी तरह के सवालों ने उन्हें पीड़ित किया था, है ना, यही सब जो सवाल आपको बता रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न हमेशा रहते थे, और इनका उत्तर वो ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं भटके। जीवन की साधारण समस्याओं पर पूछताछ का एक भावुक नोट और आत्मज्ञान के लिए एक अतृप्त भूख। आत्मज्ञान यानी उस उद्बोधन, उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज जिसको कहते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट की उनको अतृप्त भूख, जो भूख को कभी तृप्त नहीं कर सकते, ऐसी अंदर में ललक थी उनको बचपन से ही लेके कि मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़कर उस उद्बोधन को, उस एनलाइटमेंट को क्या करना है, उस जीवन मुक्त, परमहंस कहते हैं उनको, परमहंस जीवन मुक्त महाबोधि सत्व पीजे सहर, तो उसको हासिल करना है। और उन्होंने इसी जन्म में, हमारे कुछ साल पहले 2011 में उनकी डेथ हुई है, ये कोई जूनी बात नहीं है, ये कोई प्राणी है जो 2500 साल पहले आए थे डॉक्टर भगवान बुद्ध के जैसा, ऐसा नहीं है, ये अभी हमारे 21वीं सदी के प्राणी हैं जिन्होंने वो हासिल की थी अवस्था। लेकिन उन्होंने उसके लिए क्या किया था, बहुत ही मेहनत की थी। वो कैसे की थी वही बता रहे हैं, किस प्रकार से कठिन कठोरतम परीक्षाओं से वो गुजरे। उन्होंने कई अलग अलग तरीकों से प्रयोग किए, कुछ प्रीतिकर और कुछ अप्रीतिकर। जैसे जैसे लोगों ने उनको गाइड किया, जो जो उनको गुरु मिले, जो जो उनको टीचर्स मिले, जैसे जैसे उनको उन्होंने कहा करने को, प्रीतिकर हो अप्रीतिकर हो, अच्छा लगे अच्छा न लगे, तो भी उन्होंने क्या किया, उसको फॉलो किया। सरल हो या कठिन हो तो भी फॉलो किया, रहस्यमयी हो या साधारण हो, है ना, तो भी उन्होंने उसको क्या फॉलो किया। उन्होंने खुद को कई तरीकों से उत्पीड़ित किया, जो जो तरीके उनको बताए गए। भगवान बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने कितने गुरुओं के पास, गुरु थक जाते थे कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ज्ञान था वो आपको दे दिया, और उनसे उनका भी उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होते थे, इसलिए उनको कई गुणों के पास जाना पड़ा, और अल्टीमेटली जो उनको हासिल हुआ वो खुद अकेले की स्थिति में उनको वो महाबोधि हासिल हुई, जब बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे थे उस दिन, जिस दिन वो समाधि के लिए बैठे थे। उन्होंने अपना मन खुला रखा और हर सिद्धांत को एक अच्छा अवसर दिया, हर सिद्धांत यानी एवरी थियरी को उन्होंने क्या किया, अच्छा अवसर दिया। ऐसा नहीं कि दो दिन किया, नहीं, बरोबर उसको पाला, उसको किया, बहुत अच्छा अवसर दिया। उन्होंने अपना हृदय सभी धर्मों के लिए खोल दिया, ये तो बड़ी बात तो ये, वो पारसी थे खुद, कौन थे, पारसी, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली पारसी धर्म में जो दिया है, नहीं, क्रिश्चियनिटी में क्या दिया है, गीता में क्या दिया है, कुरान में क्या दिया है, ना गुरु ग्रंथ साहब में क्या दिया है, सभी, पतंजलि ने कहा कहा है, बुद्ध ने कहा कहा है, महावीर ने कहा, अरे उनकी बिब्लियोग्राफी तो देखो, कितने लोगों को उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं, तो कितने धर्मों, सभी धर्मों के लिए क्या किया उन्होंने, अपने द्वार खोल दिए थे ताकि उन सब में मौजूद अच्छाई को वो ग्रहण कर सकें। देखो हर एक धर्म की अपनी अपनी अच्छाई होती है ना, ये अलग बात है कि कुछ शॉर्टकमिंग्स हर एक में रहती है, लेकिन अच्छाइयाँ तो हैं, तो जो भी अच्छाइयाँ उनको जहाँ से मिली उन्होंने उनको ग्रहण किया। उन्होंने कई किताबों में खोजा, मैंने बताया ना आपको कितनी किताबें पढ़ी होगी डॉक्टर साहिर जी ने ये किताब लिखने से पहले, पर वे अक्सर हताश ही रहे, जो उनको प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे वो उनको मिले नहीं,
उन्होंने आश्रमों की और गुरुओं की खोज की, मगर फिर भी क्या क्या हुआ है, हताश ही हुए। ऐसा नहीं कि उन्हें वो ढूंढ नहीं पाए, उनको बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन उनसे जो उनको जो चाहिए थे प्रश्नों के उत्तर, उनका उत्तर उनको नहीं मिला। तब क्या हुआ, जब ऐसे हताश हो गए अलग अलग जगहों पे, तब एक घटना घटी। तब ईश्वर ने उन्हें अपने उन्नत बेटों में से एक के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। जब ईश्वर ने देखा कि ऐसा प्रगत आदमी इतना खोज रहा है, तो प्रकृति को भी तो दया आती है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने उन्नत बेटों में से एक को क्या किया, जो उनको पहले जो उन्होंने प्रस्तावना में बताया, अपने उस्ताद से भेंट, उसको भूलना नहीं, वो जो उस्ताद से भेंट थी वही ईश्वर के बेटे थे जिन्होंने उनका क्या किया, मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षा का नाम क्या है, ज़ेनोगा। इनकी जो शिक्षा थी, जो उन्नत बेटे जो ईश्वर हैं, ईश्वर के उन्नत बेटे हैं जिन्होंने डॉक्टर सहजी का मार्गदर्शन किया, जो उस्ताद के रूप में डॉक्टर सहजी को मिले, उन्होंने ही उनका मार्गदर्शन किया, और उनकी टीचिंग्स का नाम ही क्या है, नाम रखा गया है ज़ेनोगा। उनके ही मार्गदर्शन में डॉक्टर सहजी ने धीरे धीरे प्रगति की, उनका मार्गदर्शन मिला तो धीरे धीरे प्रगति हुई, और उनके ही मार्गदर्शन में यह किताब लिखी गई। यानी ये किताब, जैसे बताया ना, ये किताब उन्होंने लिखी नहीं, उनसे लिखवाई गई है। क्यों, पहले बताया था, मानवता के लाभ के लिए यह किताब किसी उन्नत गुरु के बेटे के माध्यम से, टीचिंग्स के नाम से, जिसका नाम है ज़ेनोगा, उनके नाम पे ये किताब, उनके मार्गदर्शन में ये किताब लिखी गई है। डॉक्टर सर जी कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है इसमें यदि कुछ समझदारी लगे, जो भी कुछ मैंने इस किताब में लिखा है और आपको पढ़ने के बाद लगता है कि उसमें कुछ अच्छा ही है, समझदारी है, तो उस ईश्वर को धन्यवाद कहना कि उनका दिमाग आखिरकार जो उनके गुरु ने बताया था उसको समझ सका। कितने डाउन टू अर्थ है भाई, कि अगर आपको लगता है कि इसमें जो भी मैंने लिखा है वो आपको समझदारी लगती है, उससे आपकी प्रगति होती है, उससे आपका विकास होता है, तो इस ईश्वर को धन्यवाद करना, मुझे नहीं, क्योंकि उस ईश्वर का ही कारण मैं वो समझ पाया जो गुरु ने मुझे बताया था, और वही मैं इस किताब में लिख पाया जो आपको समझ में आया, जिसके कारण आपको मुझसे मदद हो रही है। वो कहते हैं कि यदि पाठक को कुछ असंगत लगे, इस किताब को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, कुछ चीजें आपको शायद पहले ही बताया था उन्होंने, असंगत लगे, और असंगत लगे तो क्या होगा, उन्होंने बताया था दूसरी बार जब पढ़ोगे तो जो पहले चीज समझ में नहीं आई थी वो आपको समझ में आएगी, वो आपने आज एक्सपीरियंस किया है ना, कोई चीज दूसरी बार जब बताई जाए ना तो आदमी को, क्योंकि हम कंबल बूंदी वाले लोग हैं ना, हम क्या करें, है ना, तो समझ में कम आती है, दो बार रिपीट किया तो जल्दी समझ में आती है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि पाठक को कुछ असंगत लगे तो समझना क्या, कि वे ही कुछ नहीं समझ पाए जो समझाया गया था। यानी उनके गुरु को दोष नहीं देते, उनके गुरु ने राइट बताया, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही, यानी इन्होंने कुछ समझा नहीं है, या वो समझा नहीं पाए हैं, या तो जरूर उन्होंने कुछ अपर्याप्त अपनी तरफ से जोड़ दिया होगा। जो शुद्ध रूप से टीचिंग्स आई है उनके गुरु के माध्यम से, उसमें कोई समझने न योग्य बात है ही नहीं, सब समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ असंगत लगती है, इसका मतलब है या तो उन्होंने समझ नहीं पाए, और या तो वो आपको समझा नहीं पाए, या तो फिर क्या होगा, कुछ अपनी तरफ से उन्होंने उसमें जोड़ दिया जो कि आपको शायद असंगत लग रही है। यदि यह पुस्तक किसी उद्देश्य को पूरा करती है तो वो कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी। अगर आपके उद्देश्य को यह किताब पूरा करती है तो सबसे बड़ी खुशी उनको होगी। क्योंकि क्यों, क्योंकि 30 वर्षों से अधिक के जो संघर्ष लगा है ना, इस किताब को लिखने के लिए जो 30 वर्ष का संघर्ष किया है, वो कुछ लोगों के लिए सांत्वना दे पाएगा। यानी कुछ लोगों को तो उससे फायदा मिला, उनको सांत्वना मिली, उनके मन को शांति मिली, तो इसमें उनको बहुत ही आनंद होगा कि 30 वर्षों की मेहनत जो उन्होंने की वो कुछ लोगों को सांत्वना दे पाए उसके माध्यम से। यह बिना तड़क भड़क का योगा है, इट इज कॉल्ड योगा विदाउट ग्लैमर। बिना तड़क भड़क यानी ग्लैमर वाला योगा, यानी क्या, सुदर्शन क्रिया करो, है ना, ये करो वो करो, है ना। कहने का मतलब क्या होता है, जो ओपन में बड़े बड़े ग्रुप्स में सिखाया जाता है, और जिसको कहते हैं तड़क भड़क यानी ग्लैमर वाला योगा, जिसमें दिखावापन ज्यादा होता है और अकेले की यात्रा
होती नहीं है, वो कहते हैं ग्लैमर। तो ये ग्लैमर फ्री योगा है, जो भी आप करते हो वह पूरी तरह से आपके और आपके ईश्वर के बीच होगा। इसमें कोई बीच वाला, कोई मीडिएटर नहीं है। मीडिएटर सिर्फ एक ही है, कौन? ये किताब जो आपको उस ईश्वर से जोड़ रही है। डॉक्टर सहर जी मीडिएटर हैं, बस वही मीडिएटर हैं जो आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, और उसके बीच में ही होगा। और किसी भी आदमी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। एक्चुअली तो कह रहे हैं कि इसका पता नहीं चलना चाहिए, हम फिर भी लोगों को क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि लोगों की भलाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बांटने के लिए। इसलिए बड़े ग्रुप से नहीं बांट रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि उस दिन हम लोग ने किताब रिलीज किया तो बहुत बड़ा कुछ उसके लिए तड़क भड़क एडवर्टाइजमेंट की, नहीं। जो सिंपलिसिटी थी वही। अब डॉक्टर मैं अपना कह रहे थे हमको, माखीजा साहब कह रहे इन्विटेशन कार्ड में, डॉक्टर साहब आपका नाम किधर है? आपका नाम ही नहीं है इसमें। मतलब नाम से क्या होगा हमको, हमको नाम से क्या वास्ता है? हमको तो ये किताब रिलीज करनी है, किताब का नाम हो काफ़ी है वो। तो कहने का मतलब क्या है, ये तड़क भड़क का योगा नहीं है। जो भी आप करते हो वो आप और आपके भगवान के बीच में होना चाहिए, और कोई आदमी उसको जान ना पाए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जो आप कर रहे हो उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि देखो भाई मैंने तो अपने खाने में बदल कर लिए, मैं अभी रात को 11 से लेके 5 तक सोता हूँ, मैं रोज 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करता हूँ, है ना, मैंने अपने सेक्स को कम कर दिया है ना, मैंने अपना क्या किया है, मैं रोज ड्रिफ्ट वॉचिंग करता हूँ, मैं योज ये करता हूँ। तो ये बताने वाली बातें नहीं है, ये आप और आपके ईश्वर के प्रति बीच में वो रहने दो, रहस्य, उसको ढिंडोरा मत पीटो। यानी तड़क भड़क का योगा ये नहीं है। डॉक्टर सहर जी कहते हैं कि इस किताब में आपको आसान व्यवहारिक विचार मिलेंगे जिन्हें सफलतापूर्वक जांच करके आजमाया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस एक दो जनों के ऊपर आजमाया है और आपको हम दे रहे हैं। ये बहुत ही समझा और बहुत ही एग्जामिन किया हुआ और बहुत ही लोगों के ऊपर प्रयोग किया हुआ, आजमाया हुआ ज्ञान है जो आपको हम इस किताब के माध्यम से दे रहे हैं, और सफलतापूर्वक इसको अपनाया गया है। आप भी इसको कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। देखो कितना स्वच्छ इच्छा दे रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, इच्छा नहीं हो तो नहीं करना, इच्छा हो तो करो, तथा आप इसका अभ्यास करके सफल हो सकते हैं। अभ्यास करोगे तो सफल जरूर होगे। खास करके इस जीवन में और इस पूरी सृष्टि में कुछ भी निरर्थक रूप से नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ बनाया ही नहीं ईश्वर ने जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक चीजें यहां पे बनी नहीं है, आपको उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। कुछ भी अगर हासिल करना होना तो कीमत तो देनी पड़ेगी। आप लोग भी कीमत दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो, इससे ज्यादा और कीमत क्या दोगे आप? यानी आप यहां आते हो, सुनते हो तो उसका समय दे रहे हो, यानी ये बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, है ना, उन्होंने क्या किया, कौन थे, परमहंस, है ना, परमहंस जी, उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक दिव्य स्पर्श से विवेकानंद को, खाली उनका दिव्य स्पर्श हुआ अपने गुरु का, और कहते हैं कि उनको इनलाइटमेंट हो गया। सुना होगा ऐसा आपने, एक स्टोरी सुनी होगी। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उस दिव्य स्पर्श से पहले विवेकानंद जी ने कितनी मेहनत की थी उसको हासिल करने के लिए, इतना त्याग, इतनी मेहनत की थी उन्होंने कि जब उनको फिर अपने गुरु का स्पर्श हुआ तो उनको क्या हो गया, इनलाइटमेंट मिली। तो कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि कितनी मेहनत विवेकानंद जी ने की थी। तो कोई भी चीज ऐसा आसानी से हासिल नहीं होती, उसके लिए मेहनत लगती है। तो डॉक्टर सहर जी कहते हैं कि यह किताब उस महान आत्मा को समर्पित है जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया। वे इतने अयोग्य, यानी खुद को इतना अयोग्य बताते कि मैं इतना अयोग्य इंसान था, लेकिन मुझे किसी ने क्या किया, मार्गदर्शन किया, और उसी के मार्गदर्शन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं क्या किया, यह किताब को लिख पाया। तो उन्हीं को वो समर्पित करते हैं, यानी अपने उस्ताद को वो समर्पित करते हैं। वे कहते हैं अगर हम थोड़े से भी वैसे बन सकें जैसे कि वो थे, यानी उनके जो मास्टर थे जो उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया, अगर थोड़ा सा भी वैसे गुण हमारे में आ पाए तो निश्चित रूप से भगवान अद्भुत हो सकते हैं। क्योंकि वो भगवान के ही तो रूप थे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। जब भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो इतने अच्छे हैं तो भगवान कितने अद्भुत होंगे उसकी तो व्याख्या की नहीं जा सकती है। वे उनमें परमात्मा के प्रति गहरे और अटूट प्रेम के प्रेरणा के लिए साधन बने। वो कहते हैं कि जो उनके मास्टर थे वे मास्टर का बने, वे और उनके परमात्मा के प्रति एक कड़ी बने, कड़ी जिसकी वजह से वो उस उच्च ज्ञान को प्राप्त कर पाए। कि वो कहते हैं डॉक्टर सहजी, 1000 मील का सफर
आपको ये जो CCS का सफर है वो कोई छोटा सफर नहीं है, वो क्या है, हजारों मील का सफर है ना। लेकिन शुरुआत किससे होती है, पहले कदम से होती है। वो कहते हैं आज उस पहले कदम को लीजिए और ईश्वर आपके साथ हो, उस पे चलो तो सही, शुरुआत तो करो। और हमने शुरुआत तो की है, विषय परिचय को हम पूरा कर रहे हैं, नहीं बहुत बड़ी शुरुआत की है। तो कहने का मतलब क्या है, वही कह रहे हैं कि उस ईश्वर तक का मार्ग लंबी जर्नी है, उस लंबी जर्नी की शुरुआत पहले कदम से होती है। आज वो आप पहला कदम ले लो और उस ईश्वर की तरफ यात्रा की क्या करो, शुरुआत करो। हम कहीं से तो आए हैं, हम कहीं से तो आए हैं और कहीं तो हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मांड के रचयिता यानी उस परमात्मा ने शायद ही ऐसा कोई रास्ता बनाया होगा जो कहीं न जाता हो। कहीं से आए हैं, कहीं जा रहे हैं, उसने रास्ता बनाया है, हमें उस पर चलने की क्या करनी की आवश्यकता है। तो बता रहे हैं चलने की आवश्यकता नहीं, क्या उस रास्ते पे चलोगे तो पहुंचने की गारंटी क्या है, आगमन की गारंटी है अभ्यास में। सीधा सीधा ये जो वर्डिंग है ना, इतनी छूती है मुझे कि एक ही चीज बताते हैं कि आपको गारंटी के साथ वहां पहुंचना है ना, मार्ग बताया गया है, लेकिन पहुंचोगे कभी जब क्या करोगे, अभ्यास। अभ्यास के सिवाय कोई चारा नहीं। और वो भी जो इस किताब में दी गई है प्रक्रियाएं, उनका अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे। लेकिन अभ्यास वो जो आपने खोजा है उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, बस उसका अभ्यास करो, आगमन की गारंटी है, पक्का पहुंचोगे, ये निश्चित रूप से बता दें। और मुझे तो लगता है जो भी कह रहे हैं यहाँ पे वो सब सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो यहाँ पे उनका क्या होता है, इंट्रोडक्शन यानी विषय परिचय यहाँ पे डॉक्टर सहज जी पूरा करते हैं। इस इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें हैं, ये जो टर्म्स यहाँ पे बताए हैं इसको हमें खुराक के रूप में अपने अंदर रखनी है, क्योंकि यही टर्म्स के ऊपर आगे अभी धीरे धीरे और व्याख्या होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है ना। डॉक्टर सहज जी कर रहे हैं आगमन करना है तो गारंटी अभ्यास में है, तो अभ्यास करेंगे थोड़ा आज, है ना। और आज हम बिल्कुल चार्ज हैं, संडे का दिन है तो हम कर रहे हैं अभ्यास। तो कहने का मतलब क्या है, आगे बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, अभी चैप्टर वन पे जाएंगे, है ना, जिसको कहते हैं अध्याय वन। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको हम गीता से कंपेयर कर सकते हैं, कितने गीता में अध्याय थे, 18 अध्याय, इसमें कितने अध्याय, 17 अध्याय प्लस एक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का सबसे महाअध्याय, पहला अध्याय हमने क्या किया है, आज उसको पूरा किया है। अब हम चैप्टर वन पे जाते हैं और चैप्टर वन का जो नाम रखा है बहुत बढ़िया। पहले तो चैप्टर्स है ना, वो शायद हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, है ना, लेकिन बहुत कुछ उसमें निकल के सामने आएगा। और ये जो दोनों चैप्टर्स, पहले जो दोनों चैप्टर्स हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रक्रिया है जिसका अभ्यास हमें करना है, और जिसका अभ्यास किए बिना हमारी प्रगति होने वाली नहीं है। तो पहले चैप्टर का नाम क्या देते हैं, मन और सोचना, माइंड एंड थिंकिंग, और दोनों कैसे बहते हैं, हाउ दे बोथ ड्रिफ्ट। बहना का मतलब क्या है कि हम मन हमारा जो है वो सोचते रहता है, मन बना किसके लिए, सोचते रहता है, और वो सोचने की प्रक्रिया में कैसे बहता है, यानी एक विषय में सोचने के लिए उसको लगाया था किधर, और एक विषय से कितने विषयों पे वो भाग जाता है, इसको कहते हैं मन का भाग जाना, बह जाना, ड्रिफ्ट होना। तो ये मन कैसे सोचता है और कैसे वो बह जाता है सोचने की प्रक्रिया के दौरान, वही विषय है जिसके बारे में हमको डॉक्टर सहज जी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत जो करते हैं वो एक बड़ी कोटेशन से, अच्छी कोटेशन से करते हैं। कल तक मैं खुद को जीवन क्षेत्र में एक बिना लय का एक अंश समझता था, यानी कल तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य बिना लय यानी बिना कोई रिदम के ऐसा हवा में ऐसा तैरता हुआ, ऐसा पंख होता है ना जैसा, एक अंश खुद को ऐसा, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था ऐसा मैं समझता था। मगर अब मैं जान चुका हूं कि मैं ही वो जीवन क्षेत्र हूं, कि मैं ही वो क्या हूं, जीवन क्षेत्र हूं, और लयबद्ध अंशों में सारा जीवन मेरे अंदर ही चल रहा है। ये पूरा जीवन की जो दौड़ है वो अंदर ही है मेरे, यानी अंदर मन के अंदर झांको, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, जब मैं उसके अंदर जागता हूं तो देखता हूं कि जो जीवन में बाहर देखता हूं वो सारा मेरे अंदर का ही खेल है ना। इसी से शुरू, यानी कहने का मतलब क्या है कि मन के अंदर झांको, और वही इस अध्याय का
मूल शीर्षक है कि मन के अंदर देखो कि मन कैसे बहता है, उसके बारे में हमको डिटेल बताएंगे। तो इसका शुरुआत वो कहते हैं कि आइए अब हम अध्ययन की शुरुआत करें, यानी हमारी पढ़ाई की शुरुआत, अध्ययन यानी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। डॉक्टर आशीष जी कहते हैं कि जब उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा तो बहुत खुश हुए। वो क्यों खुश हुए? क्योंकि इससे दिखता है कि डॉक्टर सहर जी को हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी है, यानी वो खुद गुजर चुके हैं, खुद जरूर अभ्यास किया होगा कभी एकाग्रता करने का, मन को स्थिर करने का किसी के ऊपर, और देखा होगा कि अरे मेरा तो मन स्थिर होता ही नहीं है, भागता रहता है इधर उधर। तो उससे गुजरे हैं और उन गुजर के जो प्रैक्टिकल चीज उनको मिली है उसी के बारे में यहाँ पे हमको बताने वाले हैं कि जब आप कोई बिल्कुल डीप कॉन्सेंट्रेशन कर किसी एक विषय पे मन को स्थिर करने की कोशिश करते हो तो मन कैसा अपना खेल खेलता है उसके बारे में हमको इस प्रश्न के माध्यम से बताएंगे। वो प्रश्न बोलते हैं कि एक प्रश्न ले लो, हम एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न का ऊपर हम विचार करेंगे और फिर वो विचार करते करते हमारा मन कैसे एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय पे कैसे बह जाता है उसके बारे में 12 बहाव 12 ड्रिफ्ट्स के माध्यम से हमको बताएंगे कि कैसा आपका मन लिया। तो विषय एक बहुत छोटा था कि आदमी क्या है, सिंपल प्रश्न लिया है कि इंसान आदमी ये मनुष्य है क्या भाई, उसके ऊपर जब विचार करोगे तो कैसे मन बहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को समझने के प्रयास में हम ग्रे मैटर की प्रक्रिया या आंतरिक कार्य प्रणाली को समझेंगे जिसे बुलाया जाता है आम भाषा में सोचना। क्या बोला जाता है? ये देखो, ये है आपका मस्तिष्क। अब आप लोगों को मैंने क्या कहा कि मन के चार खंड होते हैं, बराबर है? चार खंड में से खंड एक क्या, अभी देखो आपको कैसे ज्ञान काम आने वाला है जो इंट्रोडक्शन बताया है। चार खंड है, चार खंड में से पहला खंड कौन सा है? खंड एक, जिसको क्या कहते हैं? जागृत मन, चित्त, जो किससे जुड़ा हुआ है? आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और खंड चार किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो वो जो नॉलेज हमको इंट्रोडक्शन में दिया था कैसे वो यूज होने वाला है कि जो मन का खंड एक है यही तो भागता है, इसी की तो दौड़ है, वो आई ई एस एम केंद्र ही क्या करते हैं अलग अलग जगहों पे। हमारा मन जब एकाग्र करने की कोशिश करता है तो वो पिक्चर फॉर्मिंग हैबिट है उनकी, तो इसलिए भागता रहता है। तो ये जो मस्तिष्क का जो ग्रे मैटर की प्रक्रिया क्या होती है, यानी यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मस्तिष्क है, ये आपका बड़ा ब्रेन है, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, तो इस ब्रेन को अगर काटा जाए तो ऐसा दिखेगा स्लाइस में। और ये जो बाहर का जो चीज है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रे मैटर, इसको कहते हैं ग्रे मैटर। तो सोचने की प्रक्रिया कहाँ से होती है? मस्तिष्क के ग्रे मैटर से होती, वही बता रहे हैं यहां पे। अनुभव बताता है कि जब हम हमारे मन में किसी विषय पर विचार करते हैं तो हम उस विषय मुख्य विषय के चिंतन से हटकर किसी अन्य असंगत विषयों पर पहुंच जाते हैं। बस एक विषय ले लो और आंख बंद करके बैठो, जैसे कि हमको बताया जाता है आप क्या करो, आंख बंद करके मेडिटेशन करो, एक विषय लो, क्या अपने सांस के ऊपर ध्यान दो, दो सांस के ऊपर ध्यान, सांस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, 5-10 सेकंड 15 सेकंड ध्यान दिया, फिर भटक गया, मन भटक गया ना, है ना? गोयनका गुरुजी भी कहते हैं मन भटक जाता है, है ना, अन्य विषयों पर भाग जाता है। इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट्स ऑफ द माइंड। आपका विषय क्या था? सांस के ऊपर। यहां पे विषय क्या है? आदमी क्या है, वो विषय है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सांस का, लेकिन यहां पर विषय हमारा आदमी क्या है। तो जब उसका चिंतन करोगे तो वो मन भटकना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं ड्रिफ्ट, या तो बहाव या बहना। किससे बहना भाई? मुख्य विषय से। आपका जो मेन विषय था वो क्या था? आदमी क्या है। उससे आप क्या गए? दूसरे विषयों में बह गए। उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट ऑफ द माइंड। और उसी को वॉच करना, उसको देखना, उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वॉचिंग। और ये ड्रिफ्ट वॉचिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कि समझो हार्ट है, हार्ट किसकी? आपके प्रैक्टिकल अभ्यास की। इसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो वही ध्यान धारणा समाधि छोड़ो, इसको एक ही प्रक्रिया करनी है। क्या? मन को एक विषय दो, उस विषय पे चिंतन करो और फिर देखो। कुछ 10 मिनट की कलावधि लो, 15 मिनट की कलावधि, जो भी आपको मोबाइल में सेट करके रखना टाइम रखो, और देखो कि वो कैसे मन
यहां वहां भटकता है, और फिर देखो नहीं खाली, उसको कहते हैं लिखो भी। 15 मिनट के बाद एक डायरी लो और वो कैसे भटका, कौन कौन से विचार आए, उसको ऑब्जर्व करके उसको लिखना है। वही तो टीडीएस प्रक्रिया है, इतना आसान प्रक्रिया नहीं, लेकिन यही आपको बताएगी कि आपके मन का कौन सा केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है, इमोशंस, इंटेलिजेंस, सेक्स या मोबिलिटी। मोबिलिटी तो खैर वो तो नौकर है, आपको मैंने बताया, वो तो गणितज्ञ है। मेन तीन सेंटर कौन से हैं, आई ई एस, उसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है वो आपको बताएगा इन ड्रिफ्ट्स के माध्यम से। तो बहाव के दो तीव्रताएं होती है, बहाव के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियंत्रणीय, नियंत्रणीय यानी कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट, और दूसरा होता है अनियंत्रणीय यानी अनकंट्रोलेबल, या तो पहचानने योग्य और पहचानने अयोग्य। पहचानने योग्य यानी क्या कि आपने एक विषय, यानी वो बता रहे हैं, यानी क्या, यह तब होता है, यानी नियंत्रणीय कब होता है, जब हम मुख्य विषय से बह जाते हैं लेकिन बहाव के बीच में ही हमें महसूस होता है कि क्या हुआ, और हम खुद को वापस मुख्य विषय पर लेके आते हैं। यानी आपने एक विषय तो लिया, आदमी क्या है, उसका आपने चिंतन शुरू किया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आप क्या गए, आप दूसरे विषय पर चले गए, लेकिन आपको इमीडिएटली, अरे मेरा विषय तो था ये और मैं कहाँ चला गया, दूसरे विषय में, तो आपने वापस खुद को क्या किया, खींच के वापस खुद को उस विषय पर ले गए। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल बहाव यानी नियंत्रणीय बहाव, जिसमें आपका नियंत्रण है और आप अपने बहाव से वापस अपने मुख्य विषय पर आ गए, उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट। दूसरा क्या है, यह तब होता है यानी अनियंत्रणीय कब होता है, जब हम मुख्य विषय से बह जाते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं चल पाता कि हम बहाव की स्थिति में हैं, और आगे असंगत विषयों में तब तक बहते हैं जब तक अंत में हम उस विषय पर पहुंचते हैं जो कि मूल विषय से इतना अलग होता है कि हमें मूल विषय का स्मरण भी नहीं होता, अथवा उसके बीच में जो बहाव हुए उसके बारे में हमको यादगारी नहीं रहती है। यानी एक विषय तो लिया, उससे बह गए दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, सात, दसवें विषय पर पहुंच गए, और एंड में ऐसे असंगत, मूल विषय था आदमी क्या है, और एंड में ऐसे असंगत विषय पर पहुंच गए, तो मूल विषय आप भूल गए कि मूल विषय में लेके क्या चला था, और इस बीच में जो बहाव हुए उसका भी आपको स्मरण नहीं रहता है। इसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रणीय बहाव, जहां पे आप मूल विषय पे वापस नहीं आते हैं, और उसमें क्या होता है, मूल विषय पे वापस आ जाते हैं। तो समझ गए, नियंत्रणीय बहाव एंड अनियंत्रणीय बहाव। अब दोनों कब होते हैं, दोनों नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कब होते हैं, तब होते हैं जब कोई व्यक्ति सोचता है या सोचने की प्रक्रिया में संलग्न होता है। यानी आप बैठे हो कहां पे और कुछ सोच रहे हो, या सोचने की प्रक्रिया में आप इन्वॉल्व हो, संलग्न हो, या ये तब भी हो सकता है जब कुछ लोगों का समूह आपस में हल्की बातचीत कर रहे है ना, हम लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, डिनर खा रहे हैं, थोड़ी बातचीत चल रही है, तो भी आपका मन जरूरी नहीं है कि उस बातचीत में लगा रहे, वो बीच में कुछ और ही कुछ याद आ जाएगा, वहां पे वो बह जाएगा। तो ये कब हो सकता है, जब आप अकेले बैठे हो तब भी होता है, और जब आप ग्रुप में बैठे हो तब भी आपका क्या होता है, अल्टीमेटली माइंड ड्रिफ्ट होते ही रहता है। कहां पे बैठो, यहां पे बैठे हो तो जा रहा है, घूम रहा है यहां वहां से, थोड़ा कम घूमता होगा लेकिन फिर भी वो ड्रिफ्ट होते रहता है। चलिए अब हम अध्ययन की ओर बढ़ते हैं, आदमी क्या है, मनुष्य, आइए हम इस हमारे सोचने की प्रक्रिया को देखें। लेकिन यहां पे एक विशेष सूचना बताते हैं जो कि किताब के एंड में लिखी है, नीचे आप देखोगे ना किताब के एक पेज में लिखा है, बहाव एक लिखा है, उसमें एक स्टार दिया है, बहाव एक में क्या लिया है, एक स्टार दिया किताब में, उस स्टार की मीनिंग बताइए क्या है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अलग अलग काल्पनिक विशेष सूचना क्या बता रहे हैं, अलग अलग काल्पनिक बहावों की विस्तृत गणना, हालांकि मानसिक और शायद बेवजह थकाऊ हो, जो अलग अलग बहाव बताएंगे ना, अभी आपको 12 बहाव बताने वाले हैं डॉक्टर सैयद जी, प्रश्न क्या है, आदमी क्या है, उसमें से 12 बहाव कैसे मन यहां वहां भटकता है और बह जाता है वो बताएंगे आपको, और वो भी ऐसे ही नहीं बताएंगे, उनकी वैल्यू है, हर एक बहाव से आपका कोई ना कोई सेंटर जुड़ा हुआ है, कोई एस सेंटर से बहाव जुड़ा हुआ है, कोई ई सेंटर से जुड़ा हुआ है, कोई आई सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो वो हम बाद में उसका अध्ययन सेकंड चैप्टर में करेंगे कि कौन, पहले हम सिर्फ बहाव देखेंगे कौन से बहाव होते हैं, फिर उन बहाव का संबंध क्या है आपके सेंटर से, और वो बहाव क्या दर्शाता है, कौन सी आपकी मन का गुण दर्शाता है, वो फिर सेकंड चैप्टर में उसका डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे।
एक एक भाव का, यानी 12 भाव का ही फिर से लेंगे और वो देखेंगे कि ये भाव हुआ तो ये क्या आपको दर्शाता है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा सेंटर उस समय पे ज्यादा ज्यादा काम कर रहा था। तो वही बता रहे हैं क्योंकि ये काल्पनिक है भाव, ये उन्होंने अपनी कल्पना से निर्माण किए, ऐसा जरूरी नहीं हो, लेकिन वो उन्होंने कल्पना करके ये सब भाव बनाए हैं, काल्पनिक भाव बनाए, उसकी विस्तृत गणना की है। ये ऑलरेडी मानसिक है ना, सिर्फ हम मन में ही ये सब करना है, इसलिए शायद आपको ये थकाव महसूस हो। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बात के अध्यायों को स्पष्ट करने के लिए, यानी जब तक ये नहीं करोगे ना तो बात के अध्याय आपको समझ में नहीं आए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। पाठकों को धैर्य रखने की क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप धैर्य रखो, ऐसा मत समझो कि ये थकाव है, बोरिंग है, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, हासिल क्या होगा, नहीं, आगे के अध्याय में बढ़ना है ना, तो ये आपका क्या हो रहा है, बेस बन रहा है, क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, तो इसको थकाव समझ के इसमें धैर्य मत खो। ये विशेष सूचना डॉक्टर सैयद जी पहले भाव से पहले हमको देते हैं। अब जाते हैं मन के भाव की तरफ, पहला भाव। अब वो बोलते हैं आपको क्या प्रश्न दिया मैंने कि आदमी क्या है। अब कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना हो तो उसके लिए डिक्शनरी बहुत काम आती है, है ना, डिक्शनरी के बिना किसी की मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही तो हमने किया इस जेन योगा को इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण करने के लिए डिक्शनरी के रूप में हमको गूगल बाबा ने मदद की, तो वहाँ पे तो पूरी डिक्शनरी भरी भरी है। अगले ज़माने में हम लोग ऐसे डिक्शनरी का यूज़ करते थे, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन आजकल तो डिक्शनरी आपकी गूगल बाबा है जो आपको हर एक चीज़ की मीनिंग, तो मीनिंग देने वाली डिक्शनरी बहुत ही उपयोगी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक डिक्शनरी स्पेलिंग और अर्थों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं अपनी स्पेलिंग के बारे में जब भी सोचता हूँ, या अभी आप देखो क्या कर रहे हैं, क्या 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 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आदमी क्या है उसकी मीनिंग वो क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी के माध्यम से देखते हैं, और वो बोलते हैं कि डिक्शनरी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की मीनिंग ढूंढने के लिए। तो वो सोचते हैं कि जब मैं डिक्शनरी में देख रहा हूँ, और वो बोलते हैं कि मैं अपनी स्पेलिंग के बारे में जब भी सोचता हूँ तब मुझे अपने ऑफिस की स्टेनोग्राफर का ख्याल आता है, जिसकी स्पेलिंग देखकर मुझे कई बार अपनी स्पेलिंग पर शक होने लगता है। यानी वो कह रहे हैं कि जब भी मैं अपनी स्पेलिंग के बारे में सोचता हूँ डिक्शनरी में देख के कि मेरी स्पेलिंग कैसी है और मैं कैसे लिखता हूँ, वो स्पेलिंग्स को देखता हूँ तो मुझे ऑफिस के स्टेनोग्राफर की याद आती है, फिर सोचता हूँ उसकी स्पेलिंग कैसी होती है, उसकी तो स्पेलिंग बहुत ही बुरी होती है, बहुत यानी बहुत मिस्टेक्स करती है वो, लेकिन फिर भी क्या है, यदि कोई इस प्रकार से उनको सडनली वो बह जाते हैं कि अपनी ऑफिस की स्टेनोग्राफर उनको याद आने लगती है, लेकिन वो अपने कपड़ों में बोलते हैं, वो उसकी भले स्पेलिंग कितनी भी खराब हो लेकिन कपड़ों और मेकअप में कितनी खूबसूरत लगती है, और उसका कितना बढ़िया उसकी सुस्पष्ट नाक है, है ना, गोल गोल उसके क्या है गाल हैं, और उसकी झलकें कितनी अर्थों से भरी होती है, यानी उसकी जो झलक है वो कितनी अर्थों से भरी होती है, और जिसका अर्थ कोई डिक्शनरी कैसे देगी भाई, इतने अर्थों से उसकी झलकें भरी हुई है, तो वो झलक जो दिखती है उसकी, जो कि इस फोटो में दिखा रहे हैं कि इतनी मस्त उसके खूबसूरत गोल गोल गाल हैं, सुस्पष्ट नाक हैं, और उसकी झलकें जो अर्थों से भरी, इसकी मीनिंग कौन सी डिक्शनरी देगी, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपने मूल विषय से बह गया, मैं कहाँ निकला था, आदमी क्या है देखने, और मैं बह गया कि मेरी स्टेनोग्राफर और उसकी स्पेलिंग और उसके नाक नक्श, तो मैं बह गया, लेकिन मैं बह गया वो मुझे मालूम पड़ा, इसलिए क्या किया मैंने मन को वापस खींच लिया, और फिर से आया अपने प्रश्न पे, क्या कि आदमी के अर्थ पर वापस लौट कर आया, और डिक्शनरी इस प्रकार से दूसरा प्रभाव क्या बता दिए, क्या परिभाषित करती है, एक मनुष्य निम्न जानवरों और फरिश्तों या दिव्य प्राणियों से अलग होता है, जिसमें बौद्धिक गुण आदमी की विशेषता है। अब डिक्शनरी क्या बता दिए कि मनुष्य क्या है, ये जो निम्न जानवर है जो लोअर एनिमल्स होते हैं, और जो फरिश्ते या दिव्य प्राणी होते हैं जिसको कहते हैं एंजल्स, है ना, उनसे क्या आता है, मनुष्य क्या है, अलग है, क्योंकि उसमें एक बुद्धिमत्ता का क्या है, विशेष गुण मनुष्य में मौजूद होता है। मेरी नज़र एक शब्द पर पड़ी, अब दूसरे भाव में क्या बोलते हैं, मेरी नज़र एक शब्द पर पड़ी, क्या, अधूरा आदमी, आदमी की मीनिंग ढूंढ रहे हैं ना, तो वहां पे डिक्शनरी में एक लिखा था शब्द अधूरा आदमी, हाफ अ मैन, है ना, मैंने ऊपर देखा, मुड़ा और अपने पास बैठे दोस्त से पूछा, कहो तो क्या अधूरा आदमी क्या होता है भाई, ये अधूरा आदमी क्या होता है, तो मेरे दोस्त ने कहा वो जो अविवाहित होता है वो अधूरा आदमी होता है, हाफ अ मैन यानी अभी तक पार्टनर
मिला नहीं है वो अधूरा आदमी होता है, और किसी अथनीय कारण से वो उठता है और रूम से निकल जाता है और गुस्से में चला जाता है, यानी वो शायद अधूरा आदमी था, उसको लगा मुझे टॉन्ट कर रहा है, इसने मुझे शायद प्रश्न पूछा है, तो उसको गुस्सा लगा और वो रूम से किसी अथनीय कारण के कारण वो क्या रूम छोड़ के भाग जाता है। फिर तीसरे भाव की तरफ आते हैं, या आखिरी भाव हम देखेंगे, फिर हम बाकी अगले व्याख्यान में कवर करेंगे। डिक्शनरी पर दोबारा लौट कर आते हैं आदमी के अर्थ पर। निम्न जानवरों से और फरिश्तों या दिव्य प्राणियों से अलग होता है। लोअर एनिमल्स या तो फरिश्तों या तो परियों से क्या होता है, वो दिव्य प्राणियों से अलग होता है। तो वो अपनी बीवी ही उनके पास बैठी थी, जब वो डिक्शनरी हाथ में लेके बैठे थे, तो सुनती हो तुम अगर मेरी बीवी हो है ना, तो मैं क्या करूँगा तुमको आज से, मैं तुम यानी निम्न जानवर नहीं हो ना, तुम फरिश्ते भी नहीं हो, नहीं तुम दिव्य जानवर हो, तो आज से मैं तुमको फरिश्ता कह के, यानी माय एंजल बोलते हैं ना प्यार से लोग अपनी बीवी को, माय डार्लिंग माय एंजल, तो क्योंकि तुम इंसान हो ना, मैं तुम्हें फरिश्ता कह के यानी मेरी परी मेरी एंजल करके मैं नहीं संबोधित करूंगा। तो उसकी बीवी भी तुरंत प्रतिक्रिया करती है, तो ठीक है आज से मैं भी तुमको लोअर जानवरों के यानी कुत्ता बिल्ली कह के नहीं पुकारूंगी है ना, तुमको कुत्ता बिल्ली कह के नहीं बुलाऊंगी, और क्यों ना ऐसी अच्छी बात हो कि तुम्हारी जो स्टेनोग्राफर है उसको तुम जाके परी बुलाओ, यानी वो अंतर्यामी थी उसकी बीवी, उसको मन में पहले ही मालूम पड़ गया कि वो अपने स्टेनोग्राफर के बारे में बोल रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, तो उसको पहले ही बोल देती है कि क्यों ना ऐसा अच्छा होगा कि तुम अपनी वो जो स्टेनोग्राफर है उसको क्या करो परी कह के बुलाओ है ना, तो इसका और फिर ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बीवी को क्या हुआ ठेस पहुंची, उसके इमोशनल केंद्र क्या हो गया उत्तेजित हो गया। तो इस प्रकार से शुरुआत कहाँ की थी हमने, आदमी क्या है, वहाँ से स्टेनोग्राफर पे पहुँचे, फिर दोस्त के पास पहुँचे, हाफ अ मैन की तरफ पहुँचे, और फिर एंजल्स और लोअर जानवर की तरफ पहुँचे, यानी कहने का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट तो तीनों बार हुए लेकिन तीनों बार क्या हो गए, वो समझ गए अरे मैं तो ये अपने मूल विचार से बह गया। तो इस प्रकार से हमारा मन जब एक विषय को पकड़ के बैठता है तो मूल विषय से वो इस प्रकार से भटकता है। ऐसे हमने यहाँ पे तीन बहावों के बारे में जानकारी ली, अब इसके बाद और नौ बहाव हैं जो हमें अलग अलग प्रकार की सिचुएशन बताएंगे, और सिचुएशन में कैसे मन बह गया उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगले व्याख्यान में अपनी ये जर्नी को ड्रिफ्ट वॉचिंग को चालू रखेंगे। हरिओम, थैंक यू।